Hello students, today we will be discussing about settlement due to secondary compression. हम लोगों ने पहले देख लिया है कि primary settlement का कैसे क्या होता है and what are the effects and criterias for it. Now we will be moving to settlement of secondary compression. Now basically यहाँ पर क्या होता है कि we have most of the soil which have so much of secondary effect on it. And in some cases, the entire time compression curve has the shape of an almost straight sloping line. ठीक है, जो उसका compression curve की जो line है वो almost क्या हो जाती है, straight हो जाती है. Generally क्या होता है, S shape में होती है. But in secondary की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, कई बार उसका जो sloping का जो shape है curve का, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है इफ़ यू प्लॉट ऑन अ सेमी लॉगरिथमिक स्केल. ठीक है, नाउ क्या होता है यहाँ पर, हियर द ग्रेन पार्टिकल्स टेक प्लेस ऑन वन अनादर. ठीक है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो ट्राई टू क्या करते हैं, दे ट्राई टू सेटल ऑन ईच अदर. ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ एडजस्ट हो जाए और जितनी भी गैप्स हैं, जितनी भी वॉइड्स हैं, वो उसको क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके. नाउ जब वो लोग एलिमिनेट करते हैं अपनी गैप्स को, कोशिश करते हैं सेटल डाउन होने के लिए, तो क्या हो रहा है, वो दे आर गेटिंग इनटू मोर डेंस कंडीशन. ठीक है, अपने आप को मोर डेंस कर रहे हैं सेकेंडरी कंप्रेशन में. नाउ अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर विच अफेक्ट द सेकेंडरी कंप्रेशन इज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टूड. ठीक है, अगर हम बात करें अपने जियोटेक की, तो कम्प्लीटली इसे रिकोगनाइज नहीं किया गया है, इसे कम्प्लीटली सॉर्ट आउट नहीं किया गया है. बट अगर बात करें हम लोग जो सॉइल है, किस टाइप की सॉइल्स के साथ ऐसा होता है, तो ये मोस्टली जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक सॉइल जो हम लोग को मिल जाती हैं अपनी फील्ड्स पर, वो वाली सॉइल जो है जनरली सेटलमेंट जो है उनका, वो सेकेंडरी कंप्रेशन के रिगार्डिंग होता है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कोएफिशिएंट, तो इसका जो सेकेंडरी सेटलमेंट है उसके लिए जो हम लोग कोएफिशिएंट है, उसे सी बार अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं. यू कैन सी हियर, इट्स गिवन हियर. नाउ लेट अस मूव. सो हियर दे हैव एलाबरेटेड एंड एक्सप्लेन्ड द कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशन. C bar alpha is equal to delta E divided by 1 plus E naught 1 by log into T2 by T1 is equal to C alpha divided by 1 plus E naught. और अगर हम इसको calculate करें again, so we can find out the delta E is equal to C alpha log T2 by T1. ओके, नाउ वेर आप देख सकते हैं कि सी अल्फा इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द ई लॉग टी कर्व. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स. ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे इसका लॉग एक चार्ट देखेंगे, उसमें यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इट इज़. नाउ न्यूमेरिकली सी अल्फा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द सिंगल साइकिल ऑफ टाइम ऑन द कर्व विच इज़ शोन इन द फिगर 7.12. वो आपको भी मैं दिखाने वाली हूँ. नाउ द कंप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन वॉइड रेशियो. ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि क्या करते हैं सेकेंडरी कंप्रेशन में, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वॉइड रेशियोज को खुद सॉर्ट आउट कर रहे हैं, खुद उसको रिड्यूस कर रहे हैं सेकेंडरी में. सो एंड टाइम हैज़ बीन नॉर्मलाइज विथ रिस्पेक्ट टू द ड्यूरेशन TP ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टेज. A general expression for settlement due to secondary compression under the final stage of pressure PF may be expressed as SS is equal to delta E divided by 1 plus E naught into H. So SS, आप देख सकते हैं यहाँ पर, is nothing but they have given the सेटलमेंट. ठीक है, सेटलमेंट को इन्होंने डेल्टा ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट इनटू एच. फिर यू कैन सी डेल्टा ई फ्रॉम टी बाय टीपी इज इक्वल टू 1 टू एनी टाइम टी मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ई वर्सेस टी टी बाय टीपी कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द फाइनल प्रेशर
पीएफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7.23 जो हम लोगों ने अभी डिराइव की है यहाँ पर, दैट यू कैन कंसिडर विथ इट, ठीक है। नाउ इन दोनों को इन्होंने कंपेयर किया है, 7.23 एंड 7.24 को, एंड दोनों को कंपेयर करने के बाद दे हैव गॉट डेल्टा ई इज इक्वल टू सी अल्फा लॉग टी बाय टी एन, ठीक है। नाउ लेट अस जस्ट मूव टूवर्ड्स द कॉन्स्टेंट वैल्यू सी अल्फा बिटवीन टी पी एंड टी। इक्वेशन 7.24 में बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वाला जो देखा है ये 7.24 वाला, इसी को इन्होंने एलैबोरेट करके वैल्यूज पुट करके दे हैव गिवन द एसएस वैल्यू सी अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट एच लॉग टी बाय टी पी, वेयर दे हैव केप्ट द वैल्यू फॉर डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई की जो वैल्यू है दे हैव केप्ट इट, और जो कॉन्स्टेंट है आपका सी अल्फा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, विच इज़ एक्चुअली कोएफिशिएंट, वेयर ई नॉट इज इनिशियल वॉइड रेशियो, एच आपका थिकनेस ऑफ द क्ले स्ट्रैटम है। नाउ मैं आपको बता रही थी उसके डायग्राम की तरफ ले जाने के लिए, नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है। ये ई लॉक पे आपका पूरा बनाया गया है कर्व बिटवीन वॉइड रेशियो एंड टाइम, ठीक है। आप देख सकते हैं एज द टाइम इज इंक्रीजिंग द वॉइड रेशियो हैज़ बीन डिक्रीजिंग, यू कैन सी हियर ऑन द टॉप व्हेन द टाइम इज़ ज़ीरो, इनिशियली टाइम जो है आपका जो टाइम ज़ीरो है टी नॉट होगा आपका, वहाँ पर आपका वॉइड रेशियो ऑब्वियस एट द पीक होगा, एंड एज द सेटलमेंट इज टेकिंग प्लेस एज द सेकेंडरी कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस वी कैन सी ड्यू टू द टाइम द वॉइड रेशियो हैज़ बीन डिक्रीज, हियर यू कैन सी टी पी टी वन टी एंड टी टू, एंड एट द टी पी फ्रॉम टी पी टी टी टू द कर्व हैज़ बीन टर्नड इन टू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कर्व रहता है, कर्व ही रहता है, एस शेप का रहता है, बट हियर यू कैन सी इट हैज़ बीन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टी पी टू टी टू, ओके, द स्लोप हैज़ बिकम अ स्ट्रेट लाइन, एंड यू कैन चेक आउट द डेल्टा ई एंड द स्लोप विच इज़ अ कॉन्स्टेंट दे हैव गिवन सी अल्फा, ओके। Now, this is the relationship between coefficient of secondary consolidation and natural water content of normally loaded deposit of clay and various compressible organic soil. जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्टली जो सेकेंडरी सेटलमेंट है, जो सेकेंडरी कंप्रेशन इसमें होता है वो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉइल के बीच में ही होता है. So now you can see the natural water content present in the soil and उसका जो देख सकते हैं आप यहाँ पर उसके लिए कर्व इन्होंने दिया हुआ है. नाउ लेट अस मूव फ्रॉम द ओके, सो दे हैव टेकन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़. ये बेसिकली जो डिराइव किया गया है ये 1973 में डिराइव किया है मर्सी के थ्रू. नाउ जो अलग अलग सिटीज़ की इन्होंने क्या करा है, क्ले ली है, एंड अलग अलग सिटी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है सिटी के अकॉर्डिंगली. ऑर्गेनिक सॉइल में अलग अलग कंटेंट हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉइल में भी काफ़ी डिफरेंस होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिटीज़ क्ले दे हैव गिवन द ग्राफ, ओके. आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला इज़ योर सेंसिटिव मराइन क्ले, न्यूजीलैंड का है, देन मैक्सिको सिटी का है, देन कैलकुलस ऑर्गेनिक क्ले है, देन लेडा क्ले है, देन नॉर्वे का इन्होंने लिया है, देन अलग अलग सिटीज़ के इन्होंने कैनेडियन ऑर्गेनिक मराइन डिपॉजिट, सारी अलग अलग सिटी से इन्होंने अलग अलग टाइप की क्ले लेकर इन्होंने इस ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करी है, ओके. वेट अ सेकंड, यस, हियर यू कैन सी ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आप देख सकते हैं. सो ऑलमोस्ट दे कम अंटू द ऑर्गेनिक सॉइल जितनी भी हैं दे कम अंडर द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेटा, ओके. Okay, so here you can see
example of the relationship between C alpha and CC after Mercy and Godelwitsky. और ये 1977 में है. नाउ कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है वो सीसी होता है और सेकेंडरी कंप्रेशन सेटलमेंट का जो इंडेक्स है दैट इज़ योर सी अल्फा. आप देख सकते हैं बेसिकली इन्होंने यही बताया कि दे कम अंडर द स्ट्रेट लाइन. जितनी भी अगर आप इसके ऊपर टेस्ट करेंगे दे हैव गैदर्ड द वैल्यूज विच कम्स अंडर अ स्ट्रेट लाइन. अदरवाइज द कर्व इज कर्वी या कह सकते हैं एस शेप में आपका कर्व आता है. नाउ let us move to the classification of soil based on secondary compression. ठीक है, तरजागी ने इसे दिया है. नाउ सी अल्फा की अगर हम बात करें सेकेंडरी सेटलमेंट के लिए, सो दे हैव गिवन कि इफ सी अल्फा इज लेस देन 0.002 मीन्स द सेकेंडरी कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लो. इफ इट इज 0.004 दैट मीन्स अगेन इट इज लो. But as it goes on in the division of 4, we can see the compressibility is increasing and the extremely high compressibility is on 0.064. Okay, this is based upon the compressibility. Now if you move on, values for C alpha by C for geotechnical materials. सो वी कैन सी अलग अलग जो भी आपकी रॉक्स हैं, जो आपकी सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसके लिए द रेशो ऑफ सी अल्फा बाय सी इज़ डिफरिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रैनुलर सॉइल इंक्लूडिंग रॉकफिल, सो सी अल्फा बाय सी का जो रेशो है दैट इज़ गिवन एज 0.02 प्लस और माइनस 0.01. दैन शेल एंड बट स्टोन की बात करें सो इट इज़ 0.03 to 0.01. आयरॉनिक सॉरी इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करें और सिल्ट की बात करें तो 0.04 प्लस और माइनस 0.01. ऑर्गेनिक क्लेज और सिल्ट की बात करें सो दे हैव गिवन लाइकवाइज. एंड पीट और मस्कट की बात करेंगे तो इट हैज़ बीन 0.06 to 0.01. ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको जनरली जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें रिक्वायर्ड रहती हैं. इफ़ यू आर नॉट गिवन लाइक इफ़ यू आर नॉट गिवन द कोड बुक सो आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में ही डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी. ठीक है, नाउ